हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डेजर्ट। डेजर्ट में बनाएंगे हम आज गाजर का हलवा। इसके लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं। पहले हम लेंगे गाजर, उसे आप आधा किलो गाजर लीजिए, उसे आप ग्रेटेड कर लीजिए। ये देखिए मैंने एक बाउल ग्रेटेड करके रखा है पहले से ही। इसमें हम ऐड करेंगे आधा बाउल शुगर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी आप अपने हिसाब से लीजिए, अगर आपको ज़्यादा अच्छा बनाना है तो उसमें थोड़ा और आप ले सकते हैं। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे 1 किलो दूध, और हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम लिए हैं, आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं, पर इसको हम लास्ट में काट के ऐड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना गजरेला बनाना। पहले हमने पैन में अपना देसी घी गर्म कर लिया है। देसी घी को कम से कम 2 मिनट गर्म कीजिए ताकि इसकी जो झाग है वो एकदम साफ हो जाए। देखिए हमारा देसी घी अब बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने ग्रेटेड गाजर ऐड कर दी है। गाजर को हमने इसमें ऐड करने के बाद लगातार हिलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे लग जाएगी तो फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप इसे आँच मध्यम और इसे लगातार हिलाते रहिए। ये जरूर टाइम टेकिंग है, बट ये बनती बड़ी स्वादिष्ट है। तो हम इसमें अब ऐड करने के लिए जो हमने बादाम लिए उसको एक साइड पर काट के रख लीजिए और लगातार गाजर को हिलाते रहिए। आँच बिल्कुल धीमी रखिए, क्योंकि ये नीचे लग जाती है तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। ये कम से कम हम इसे 15 से 20 मिनट तक चलाते रहेंगे। ये देखिए ये काफ़ी टाइम लेती है, मगर ये बनती अच्छी है। अब कम से कम 10 मिनट के बाद ये हमें ऐसी लगने लगेंगी गाजर, क्योंकि ये पूरा तेल अपना अलग कर चुकी हैं घी, और ये गाजर लगभग पक चुकी हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध मैंने इसमें पूरा 1 केजी डाला है। आप अगर चाहें तो, अगर आपकी गाजर की मात्रा ज़्यादा है तो आप उसमें ज़्यादा दूध डाल सकते हैं। क्योंकि मेरी गाजर आधा किलो यूज़ किया मैंने, तो मैंने इसमें 1 किलो दूध यूज़ किया है। दूध डालने के बाद आप इसे हिलाइए, लगातार हिलाते रहिए, क्योंकि दूध भी अगर नीचे लग जाए तो ये जल जाता है और इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। इसलिए आप इसे दूध डालकर भी हिलाते रहिए गाजर को, हलवे को लगातार। आँच इसकी मीडियम ही रखिए गैस की। अब देखिए इसकी दूध मिलने से इसका कलर बदल गया है। अब ये गाजर को धीमी आंच में लगातार उबालते रहिए। इसके बाद मैंने ऐड किया आधा बाउल शुगर। आधा बाउल शुगर, अगर आपकी ग्रेटेड की हुई गाजरें ज़्यादा तो आप उसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड कीजिए। मैंने इसमें आधा बाउल शुगर ऐड किया है। अब आप शुगर को भी इसमें अच्छी तरह मिलाइए, मिक्स कीजिए, ताकि वो दूध में अच्छी तरह शुगर घुल जाए। इसके बाद मैंने जो बादाम लिए थे वो मैंने काट के रख लिए थे एक साइड पर, वो मैंने अब इसमें मिक्स कर दिए हैं। आप चाहे तो इसमें काजू किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये और भी अच्छा स्वाद देगा आपको गाजर का हलवा। अब देखिए लगातार हम इसे हिलाते रहेंगे तो इसका जो दूध है वो लगातार कम होता रहेगा और ये गाढ़ी हो जाएगी। देखिए अब इसकी देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे जैसे इसका दूध कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसमें और भी इसका स्वाद बढ़ता जाएगा। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा, बस 5 मिनट और अब इसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि लगातार इसे अभी हमने 20 मिनट ऊपर रखा है। ये कम से कम 40 मिनट का रेसिपी है। ये देखिए ये हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है अब खाने के लिए।